श्री का अर्थ क्या होता है? श्री का अर्थ होता है शणाति हिंसति दोषाण इति श्री, अर्थात कोई जो भी शरण में आए उसके सब दोषों को जो हरण कर लेती है उसका नाम श्री है, उसके सारे दोषों का हरण कर लेती है, कोई दोष उसके पास छोड़ती नहीं। एक कहते हैं कि एक बार महाराज की भूमिका बन रही थी, महाराज की भूमिका बन रही थी और उस तो रास की महाराज की भूमिका बन रही थी और उस भूमिका में श्री ठाकुर जी सब गोपियों के साथ महाराज करने की इच्छा व्यक्त कर रहे थे, मंच तैयार था महाराज का, सब सखियां विचित्र विचित्र आभूषण पहन के आई थी, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सुंदर तिलक पत्रावली लगाई थी और सभी सखी एक स्वर से गा रही थी, गान कर रही थी, सब गा रही थी, पर उन सखियों में एक सखी थी उसका स्वर थोड़ा कच्चा था, बार बार स्वर बिगड़ रहा था। तो उस समय श्री राधा रानी ने देखा कि ये थोड़ी अभी कच्ची है, तो राधा रानी ने उस सखी को अपने पास बुलाया, इधर आ। वो गई श्री जी के पास और श्री राधा रानी ने उसके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और जैसे अपना कर कमल रखा उस सखी में सारी कलाएं एकदम से आ गई, सारी कलाओं से भर गई। जो सारी कलाओं को प्रदान करती है उसी को श्री कहते हैं, और केवल मानवों को नहीं, कृष्ण को भी अगर कोई कला प्रदान करता है तो वो राधा रानी है। ब्रज में महावाणीकार लिखते हैं कि सुगढ़ भये हो बिहारी यही छाते, सुगढ़ जो आप बने हो ना इतने गुणवान, ये इन्हीं की छाया का प्रताप है, इतने इतराओ मत, इतने बनो मत। पर अब क्या करें, लाडली गोरी के गुण गर्वी लो, ब्रजवाणी में कहते हैं कोई कारे छोरा को कोई गोरी छोरी मिल जाए, एकदम कारा हो और वहां को ब्याह कही एकदम गोरी सुंदर छोरी ते हो जाए तो इतराता हुआ नहीं घूमता, देखो कितनी सुंदर बहू मिली हमको, तो या कारे कन्हैया को हमारी गौरांगी किशोरी मिल गई ना तो लाडली गोरी के गुण गर्वी लो, इसी उत्साह में घूमते ठाकुर जी की हमारी श्री जी हमारी स्वामिनी। ब्रज का भाव एकदम अलग है, ब्रज में तो राधा रानी की जो सखियां हैं उन सखियों के चरणों में ठाकुर प्रार्थना करते कि हमें श्री जी की थोड़ी सी सेवा दे दो, आज राधा रानी के चरण दबाने की इच्छा है, आज्ञा दे दो। ये ब्रज का भाव है, तो कृष्ण की प्राप्ति भी राधा रानी की कृपा से होती है। इसलिए जो सारे अवगुणों को भुला करके हृदय से लगा दे, राधा रानी कहती है श्री श्याम सुंदर से कि हे ठाकुर मैं आपको अपना प्रियतम तब कहूंगी जब आप इस संसार के निकृष्ट से पापी व्यक्ति को भी उठा के अपने गले से लगा लो, तब मैं आपको अपनी सेवा का अधिकार दूंगी। यानी कोई पापी भी हो उस पर भी अब एक गुड़ चाहकर के भी आपको कड़वाट नहीं दे सकता, आप गुड़ खाओ और चाहो उससे कड़वाट, वो चाहे भी गुड़ तो भी नहीं दे सकता क्योंकि वो है ही मीठा, उसमें कड़वाट हो ही नहीं सकती।
तो श्री राधा रानी भी करुणा की भंडार है, दया की भंडार है। अब जिनके पास है ही करुणा, तो करुणा के अलावा देंगी क्या? कोई कहे कि हम पाप करते हैं तो पता नहीं कृपा होगी कि नहीं होगी, पर उनके पास ये कठोर हृदय है ही नहीं। ऐसा वर्णन आता है कि एक बार श्याम सुंदर ने सोचा कि ये राधा की जो सखियां हैं ये सारी बड़ी घूमती फिरती, हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, हमारी राधा रानी। ठाकुर जी ने सोचा आज हम राधा बन के इनके पास जाते, देखते क्या करती है। ऐसी खूब लीला है ब्रज में कि ठाकुर जी राधा स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो राधा स्वरूप बना करके आज ठाकुर जी ने कुंज में आ गए, अब प्रवेश किया और जैसे घुसे तो जितनी सखियां है ना राधा रानी की, सबको सबके सामने से निकल के जा रहे हैं। अब जब राधा रानी आती है, आपका कोई स्वामी आता है तो आप प्रणाम करते हो, पर आज तो कोई राधा रानी की तरफ देख ही नहीं रहा। सारी सखियां अपने अपने कार्यों में व्यस्त है, कोई माला बना रही है, कोई श्री जी के लिए चंदन घिस रही है। तो ठाकुर जी बोले ये तो गड़बड़ हो गई, सोचा कहीं हो सकता हमारा कोई मेकअप में कोई खराबी हो। तो दर्पण लेके दर्पण देखा, नहीं नहीं एकदम राधा रानी हूबहू, तो ठीक एकदम ठीक है। तो फिर ठाकुर जी ने सोचा चलो हो सकता कार्य में व्यस्त है इसलिए हमको देख नहीं पा रही, हम ही इनके पास जाते। तो ठाकुर जी जाके कह रहे हैं सखी को, अरे सखी मैं हूं तेरी स्वामिनी। गोपी हंसी आगे चली, हद हो गई, कुछ बोली नहीं, मुस्कुराई और आगे चली गई। बार बार जो भी सखी वहां से निकल के जाती, ठाकुर जी कहते अरे अरे मैं राधा हूं, कोई मुझे देखो तो, कोई पहचानो तो। पर सारी सखी मुस्कुरा रही। ठाकुर जी बोले बहुत हो गया, एक को पकड़ा, बोले तुम सब मुझे मान क्यों नहीं रही कि मैं राधा रानी हूं। तो सखी ने मुस्कुराते हुए कहा हे श्याम सुंदर, राधा जैसा स्वरूप तो बना लोगे, पर पहले यह बताओ राधा जैसा हृदय कहां से लाओगे। राधा जैसा हृदय भी तो होना चाहिए, वो तो लेकर के आओ। कैसा है राधा का हृदय, मुझे कैसे पता लगेगा, मैं जानना चाहता हूं क्या है राधा का हृदय। तब ठाकुर जी कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। शरीर तो कृष्ण का था पर हृदय राधा का था। तभी तो दिन रात हरि बोल जैसे सुनते थे, सुनते कान में राधा नाम जाती बेहोश हो जाते थे, कृष्ण नाम जाती बेहोश हो जाते थे, क्योंकि हृदय राधा का था।